फिल्म शुरू होती है ये बताते हुए कि दुनिया में हर साल करीब 21 मिलियन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 30,000 लोगों पर ये काम नहीं करता। मतलब ये पूरी तरह से बेहोश नहीं होते। पूरे ऑपरेशन के दौरान इन्हें सारे दर्द महसूस होते हैं, लेकिन ये किसी को कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पेशेंट की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहानी की तरफ आते हैं। कहानी हमें जैक बता रहा है। जैक एक डॉक्टर है। वो कहता है कि जब हमारी डेथ आनी है तो वो आ ही जाती है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने कई सारे लोगों को ऑपरेशन में खोया है, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने दोस्त को खो दिया। उसके फ्रेंड का नाम है क्ले। वो कहता है कि आज सुबह जब क्ले उठा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा। शायद वो सैम के बारे में सोच रहा होगा। सैम क्ले की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है। क्ले अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ रहता था और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। साथ ही अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी काफी सीरियस थे। और क्ले आज अपनी मॉम को अपनी लव लाइफ के बारे में बताने वाला था। असल में सैम उसकी माँ के लिए काम करती थी और इसी वजह से वो बहुत नर्वस था कि उसकी माँ को उनकी रिलेशनशिप पता नहीं गलत लग सकती है, और उसे बहुत डर भी लग रहा था। सैम ने क्ले को उसके ऑफिस ड्रॉप कर दिया और कहा कि तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो। तो क्ले उनसे कहता है कि आज मैं उन्हें बता दूंगा। क्ले की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा नर्वस था। अब वो अपने फ्रेंड जैक से बात करता है। जैक वही है जो हमें स्टोरी बता रहा है। क्ले उससे कहता है कि शायद मैं कभी अपने पिता की तरह सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। इसके बाद क्ले जैक के साथ हॉस्पिटल आता है। जैक कहता है कि ऑपरेशन में बहुत सारे एरर होते हैं, लेकिन फिर भी लोग डॉक्टर को ही ब्लेम करते हैं। असल में क्ले का एक ऑपरेशन होने वाला था और जैक क्ले को उसके प्रोसेस बता रहा था। असल में क्ले का हार्ट थोड़ा कमजोर था, तो उसके लिए उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ी थी। वो अभी वेटिंग लिस्ट में था। जैसे ही उसे कोई हार्ट मिलेगा उसकी तुरंत सर्जरी हो जाएगी। क्ले को अपने फ्रेंड जैक पे बहुत भरोसा था और वो उसी से अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाला था। जैक ने क्ले को समझाया कि तुम्हारा ऑपरेशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अभी कर डालो। किसी को पसंद करते हो तो उसे अभी बता दो, इससे पहले कि देर हो जाए। जैक से मिलने के बाद क्ले अपनी माँ से मिलता है, जिसका नाम था लिलित। लिलित के साथ एक बहुत बड़े सर्जन भी थे, उनका नाम था जॉनथन। और जॉनथन ने कई सेलिब्रिटीज का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और लिलित चाहती थी कि क्ले का ट्रांसप्लांट भी जॉनथन ही करे, लेकिन क्ले को अपने फ्रेंड पे बहुत भरोसा था। आज लिलित की एक पार्टी थी जहाँ पर क्ले एक जापानी बिजनेसमैन से कहता है कि मेरा हार्ट बहुत वीक है लेकिन मेरा दिमाग तेज है, तो मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा। क्ले का कॉन्फिडेंस और उसकी बात करने का तरीका देखकर वो कंपनी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ डील करने के लिए भी तैयार थी। ये जानकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्राउड था। क्ले ने नोटिस किया था कि शायद उसकी माँ जॉनथन को पसंद करती है, तो जब वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो वो कहती है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जब क्ले के फादर की डेथ हुई थी तो क्ले बहुत छोटा था। लिलित ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ मालूम है। क्ले कहता है कि मुझे सिर्फ उनकी डेथ याद है और उनकी स्माइल याद है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्ले को अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके फादर बिजनेस में बहुत अच्छे थे और वो कभी उनकी जगह नहीं ले पाएगा। अगले सीन में देखते हैं कि सैम लिलित को उसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताने आई थी, लेकिन क्ले ने अब तक अपनी माँ को बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी वजह से सैम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्ले भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, और जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर ललित बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सैम एक लायर है, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसने क्ले को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन क्ले मानता नहीं। तो ललित कहती है कि तुम मुझे या उसे चुन सकते हो। क्ले कहता है कि उसे ऐसा अल्टीमेटम देना गलत होगा, और वो सैम के साथ वहाँ से चला जाता है। सैम को इस झगड़े की वजह बनने से बुरा लगता है, पर क्ले कहता है कि कभी ना कभी तो ये ऐसा होना ही था, इसलिए सैम ने उससे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया क्योंकि वो आज रात ही उससे शादी करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। आज सैम और क्ले बहुत खुश थे। दोनों घर आते हैं तभी क्ले को एक मैसेज आता है। मैसेज ये था कि क्ले की सर्जरी के लिए जिस हार्ट का वे वेट कर रहे थे वो हार्ट उन्हें मिल गया है। ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन दोनों को सभी डॉक्टर से मिलवाते हैं। लिलित को भी नोटिफिकेशन आ गई थी, तो वो भी वहाँ पर जॉनथन के साथ आ गई थी, और वो फिर से क्ले को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना ऑपरेशन जॉनथन से ही कराए, लेकिन क्ले इस बात के लिए मानता नहीं है। क्ले फिर ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है और सैम उससे कहती है कि तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ, हमें हमारी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। क्ले का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। वेटिंग रूम में अब भी सैम और ललित एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ललित वेंडिंग मशीन से कुछ लेने की कोशिश कर रही थी, तो सैम उससे कहती है कि थोड़ा इंतजार करो, ये मशीन थोड़ी फॉल्टी है, थोड़ा टाइम लेती है। उधर ऑपरेशन थिएटर में जब सारे डॉक्टर्स रेडी हो रहे थे
तभी वहाँ पर लैरी नाम का एक डॉक्टर आता है। ये वो डॉक्टर नहीं है जो एक्चुअल में आने वाला था। लैरी को देखकर जैक बाकी डॉक्टर से कहता है कि सिर्फ खिलाड़ी चेंज हुआ है, हमारा प्लान अब भी वही है। लैरी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद जैक क्ले से कहता है कि मैं तुम्हें अब एनेस्थीसिया दूंगा, तुम्हें धीरे धीरे नींद आ जाएगी और इस नींद को तुम एंजॉय करना। एनेस्थीसिया देते ही क्ले को नींद आने लगती है। अपने सपने में वो सैम को देखने लगा, लेकिन अचानक से उसके साथ जो भी हो रहा था ऑपरेशन थिएटर में वो सब उसे महसूस होने लगा। फिल्म के शुरू में जो बताया गया था कि कभी कभी एनेस्थीसिया काम नहीं करता, वो केस यहाँ पे हो रहा था। एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी क्ले पूरी तरह से सो नहीं पाया था, वो अभी पूरे दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन वो उन्हें बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज थी। वो चिल्लाकर जैक को बताना चाह रहा था कि उसे सारे दर्द महसूस हो रहे हैं, लेकिन उसे कोई भी सुन नहीं रहा था। सबको ये लग रहा था कि वो डीप स्लीप में है। जैक जैसे ही कटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करता है उसे बहुत पेन होता है। ऑपरेशन से अपना ध्यान हटाने के लिए वो फिर से सैम के बारे में सोचने लगता है। उस दिन तो वो रिलैक्स रहता है, लेकिन फिर अचानक से उसे अपने फादर की डेथ याद आ जाती है। इसी के साथ उसे बहुत सी रैंडम मेमोरीज याद आने लगती है। उनमें से उसे याद आता है कि वो कैसे सैम से पहली बार मिला था। सैम ने जब उसकी माँ के लिए काम करना शुरू किया था तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और इसीलिए उसके कमरे में आ गई थी, उसकी सारी चीजें देखने लगी थी। तभी क्ले ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अपनी फर्स्ट डेट पर सैम क्ले को ब्रुकलिन ब्रिज लेकर गई थी। क्ले बहुत ही अमीर था तो वो कभी इस जगह जा नहीं पाया। सैम और ललित बाहर वेटिंग रूम में थे, तभी सैम के पास एक दूसरा डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा है। तो सैम ने उसे अपनी रिंग दिखाई और देखकर वहाँ से चला जाता है। ललित नोटिस करती है कि सैम ने दो रिंग्स पहनी है और उसे पता चलता है कि सैम और क्ले ने आज रात ही शादी की थी। ये बात जानकर उसे अच्छा नहीं लगता। सैम का पर्स नीचे गिर जाता है तो उसमें से क्ले की सारी मेडिसिन रखी हुई थी। वो हमेशा क्ले का ख्याल रखती थी और ये बात ललित भी नोटिस करती है और उससे ये बात रियलाइज होती है कि सैम क्ले के लिए सही लड़की है और ये जानकर वो बहुत रिलैक्स थी। ललित ने कहा कि क्ले को अलग अलग एलर्जीज हैं। सैम को इनके बारे में भी पता था। ललित बस क्ले के लिए बहुत परेशान थी तो सैम आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद क्ले का ऑपरेशन दिखता है। डॉक्टर लैरी ब्रेक के लिए वहां से चला जाता है तो उसके जाते ही सारे डॉक्टर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि अब हमारे प्लान का क्या होगा, लैरी हम पर नजर रख रहा है। जैक कहता है कि लैरी बहुत ड्रंक है, उसे कुछ भी याद नहीं होगा और वो ब्रेक पर भी अभी ड्रिंक ले रहा होगा। इनका प्लान था क्ले को ऑपरेशन के दौरान मारने का और इसी प्लान को वो कंटिन्यू करने वाले थे। ये सारी बातें क्ले सुन रहा था और ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो उठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो फाइनली उठ चुका है, लेकिन वो अभी भी वहां पर लेटा हुआ था। उसका माइंड वहीं पर अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। लैरी जब बाहर आता है तो सैम उससे बात करती है। वो उससे पूछती है कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। लैरी कहता है ठीक चल रहा है, लेकिन सैम नोटिस करती है कि लैरी ड्रंक है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ काम नहीं करते, वहाँ अंदर चल क्या रहा है। और देखने के लिए सैम सीधा ऑपरेशन थिएटर में आ जाती है। अंदर आने पर सैम ने जैक से पूछा कि लैरी यहाँ पर कैसे आया, उसकी जगह पर तो कोई और आने वाला था। जैक उससे कहता है कि लैरी को कुछ समझ नहीं आएगा और सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। इसका मतलब है कि सैम भी इनके प्लान में शामिल है। सैम की क्ले से अब शादी हो चुकी थी तो क्ले की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अब सैम की ही होती और ये प्लान भी सैम का ही बनाया हुआ था। जैक को रियलाइज होता है कि वो क्ले के साथ गलत कर रहा है और अब उसे डर लग रहा था और वो इस ऑपरेशन को भी कंप्लीट करने वाला नहीं था। सैम उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को भी कुछ भी शक नहीं होगा, हमने जो स्टार्ट किया है उसे फिनिश करना होगा। क्ले ये सारी चीजें लेकर सोचने लगा था। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे याद आता है कि जैक के ऑफिस में उसने सैम का फोटो देखा था। पहले सैम और जैक दोनों एक साथ काम करते थे। क्ले को फंसाने के लिए सैम ने अपना नाम बदल दिया, अपनी पहचान बदल दी और उसकी माँ के यहाँ काम करने लगी। सैम फिर जैक को समझाती है कि ये काम करने के बाद हमें पूरी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से हम इस ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद क्ले को बहुत बुरा लगता है। क्ले अनकॉन्शियस था लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद जैक क्ले का हार्ट बदल देता है, लेकिन इस नए हार्ट को बंद करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाना था और ये करना उसे सही नहीं लगता, उसे डर लग रहा था। तो सैम खुद अपने हाथों से क्ले को इंजेक्शन दे देती है। क्ले की अपने प्यार के हाथों ही मौत हो जाती है, लेकिन सैम को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जब वो वापस ललित के पास आती है तो वो कहती है कि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ ठीक है, लेकिन ललित को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब तक तो डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। सैम उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके पास जीने के लिए बहुत सारे रीजन भी हैं। अब हम फिर से क्ले का सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं और वो बहुत सैड है, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्ले का सबकॉन्शियस माइंड अपने घर आता है और अपनी डेथ का वेट करता है।
लारी जब ब्रेक से वापस आता है तो जैक इस तरह से बिहेव करता है जैसे क्ले का हार्ट खराब था और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जैक जाकर ललित को बता देता है कि क्ले का हार्ट सही नहीं था और उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर ललित उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर लैरी ललित के पास आता है और कहता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए, हमें क्ले को बाईपास से निकालना है। ललित उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है। लैरी कहता है कि क्ले अभी भी जिंदा है लेकिन उसके पास कोई हार्ट नहीं है, वो सिर्फ मशीन के सहारे जी रहा है और वो इस तरीके से हमेशा नहीं जी सकता। ये सुनकर ललित कहती है कि उसके लिए कोई और हार्ट लेकर आओ। लैरी उससे कहता है कि इस तरीके से अचानक से कोई हार्ट नहीं मिलता और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ललित कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए और उसने सब लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया और वो एक जगह पर जाकर बैठी। उसके पास जो भी गोलियां थी वो सारी गोलियां उसने खा ली। वो गोलियां खाने से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ललित का सबकॉन्शियस माइंड क्ले के पास आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। ललित ने सुसाइड करने से पहले जोनाथन को कॉल कर दिया था तो जोनाथन अपनी सारी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। ललित अपना हार्ट क्ले को दे सके इसलिए उसने इस वजह से ऐसा किया था। जल्दी से जोनाथन हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाता है। जोनाथन यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ समझ चुका था कि जैक ने आखिर किया क्या है। जैक के साथ जो भी डॉक्टर थे वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम क्ले का सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं। क्ले अपनी माँ से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आ गए, क्या आपको सब कुछ पता था। ललित कहती है कि मुझे पहले कुछ भी नहीं मालूम था लेकिन जब सैम ने वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर काम करती थी। मैंने उसके बैग चेक किए तो मुझे उसके मेल्स मिले और उससे एक चीज कन्फर्म हो गई। जब मुझे तुम्हारी डेथ के बारे में पता चला तो और भी चीजें क्लियर हो गई और वो क्ले को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उधर हॉस्पिटल में देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे लेकिन लैरी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। ललित का हार्ट निकाल कर क्ले को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जैक सैम को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सैम ने कहा मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं लीगली क्ले की वाइफ हूँ, हमने क्या किया है इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो जैक को लॉक करके जाने लगती है। जैक कहता है कि जो सीरीज तुमने क्ले को दी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो अब तुम भी बच नहीं सकती हो। सैम को अब पछतावा होने लगा था और वो जैक के साथ भागना चाह रही थी लेकिन अब जैक वहां से जाना नहीं चाहता। उसे पता है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है और अब वो इसकी सजा भुगतने को तैयार है। सैम को पुलिस पकड़ लेती है। हम फिर से क्ले का सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं। क्ले अपनी माँ से कहता है कि अगर मैं जिंदा भी रहा तो मेरे लिए इस वर्ल्ड में कोई अपना नहीं है। वो अब मरना चाहता था। ऑपरेशन के वक्त क्ले का ऐसा एटीट्यूड ठीक नहीं था। अगर पेशेंट को जिंदा रहने की चाहत ना हो तो ऑपरेशन फेल हो सकता है। पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है। उसकी माँ ने फिर क्ले से कहा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और अकेले सब कुछ कर सकते हो। क्ले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता सिर्फ बिजनेस में ही अच्छे थे, असल लाइफ में वो इतने अच्छे नहीं थे। ललित कहती है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई उस रात उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ था और उसके पिता ने उसे मारा भी था। गुस्सा होकर क्ले को भी मारने वाले थे लेकिन तभी मदर ने एक रॉड लेकर उसे मार दिया। वो ऊपर के फ्लोर पे थे और वहां से नीचे गिर गए तो सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट है। क्ले उस वक्त बहुत ही छोटा था, उसने सब कुछ देखा था पर वो इस पार्ट को भूल गया था। ललित कहती है कि तुम्हारे फादर के बारे में मैंने सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव बातें ही बताई हैं। तुम अपने पिता से बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। क्ले भी अपनी माँ के बीच मान लेता है पर अब वो जीना चाहता था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अब वो होश में आ जाता है। जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था वो हमें कहता है कि हम सब लोगों ने बहुत गलत किया, हमें उसकी सजा भी मिलेगी लेकिन अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्ले अभी जिंदा है। इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। फिल्म अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।